तो देखिए, अगली जो माइनर कमेटी है कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जो बनाई गई थी, वो है आपको कमेटी टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में आप लोगों को मालूम होगा, तो इसके प्रभाव को एग्जामिन करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसको बोला गया कमेटी टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। वैसे ही अगली कमेटी जो है कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, इसके जो चेयरमैन थे कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस बी पटाभी सीतारमैया। जो चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस थे यानी वो प्रोविंसेस जो चीफ कमिश्नर के द्वारा रूल किए जा रहे थे, तो उसके जो चेयरमैन बनाए गए थे बी पटाभी सीतारमैया बनाए गए थे। फिर वो ऐसे ही लिंग्विस्टिक कमीशन यहाँ कमेटी लिख लीजिए, कमेटी कमेटी ऑन लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, इसके भी चेयरमैन थे बी पटाभी सीतारमैया। यानी कमिश्नर प्रोविंसेस और लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, इन दोनों के चेयरमैन जो थे बी पटाभी सीतारमैया थे। इसको ऐसे आप अगर याद करना चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं, सी फॉर कमिश्नर प्रोविंसेस सीपी प्लस लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस एलपी, इस दोनों के जो थे वो थे पटाभी। इसमें देखिए पी है, पी फॉर प्रोविंसेस और पटाभी, यहाँ लिख सकते हैं आप पी फॉर पटाभी, ऐसे याद हो जाएगा आपको। कमिश्नर प्रोविंसेस और लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, इसमें जो पी है पी फॉर प्रोविंसेस पी फॉर पटाभी, ऐसे याद हो जाएगा। वह याद करना चाहे तो इसके हेड थे बी पटाभी सीतारमैया। एक कमेटी जो थी अगली, एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजन, जो कंस्टिट्यूशन में जो फाइनेंशियल प्रोविजन आया है उस पे भी कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी के एडवाइस पे इंडियन कंस्टिट्यूशन में फाइनेंशियल प्रोविजन ऐड किए गए हैं, जैसे आपको मनी बिल से रिलेटेड हो गया, बजट से रिलेटेड हो गया, तो जो भी फाइनेंशियल प्रोविजंस है उनके भी एक कमेटी बनाई गई थी, एक्सपर्ट कमेटी थी। इसके चेयरमैन इसमें नहीं दिया हुआ है, अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। फिर वैसे ही एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट, देखिए जो हमारे कंस्टिट्यूशन मेकर थे वो काफी सिंसियर थे कंस्टिट्यूशन को बनाने को लेकर, उन्होंने हर एक चीज पे कमेटी बनाई थी और उस कमेटी के रिकमेंडेशन को, एडवाइस को बखूबी सुना गया और डिस्कस किया गया, और उसके बाद कंस्टिट्यूशन में उन चीजों को ऐड किया गया। तो एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोविजंस थे उस पे भी, जो प्रोविजंस हैं उस पे भी कमेटी थी, और उस कमेटी के जो हेड थे वो थे एस वर्धाचार्यार। अब देखिए इसको अगर याद करना चाहें तो ये याद हो जाएगा आसानी से, एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट, इसमें का एस ले लीजिए और चार्यार में जो सी है इसको ले लीजिए, एस सी यानी सुप्रीम कोर्ट, तो ऐसे याद हो जाएगा एस वर्धाचार्यार, एस और सुप्रीम और चार्यार का याद है तो कोर्ट हो जाएगा, ऐसे आसानी से याद हो जाएगा आपको ये सारी चीजें। तो ये रही 15 कमेटी, माइनर कमेटी। मेजर कमेटी हमने देख लिया है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थी, इन सभी कमेटियों के अंदर में डिफरेंट टास्क थे, उन सभी टास्क
कमेटियों की मदद से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है और काफ़ी लंबी डिस्कशन और कई बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक भी हुई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बनाने के प्रोसेस में, तब जाके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो वर्तमान स्वरूप है ये आया हुआ है। हालांकि वर्तमान स्वरूप तो अब इसमें काफ़ी अमेंडमेंट भी हो चुके हैं। अगली वीडियो में हम किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।